हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में कंप्यूटर रो मोस्ट इंपोर्टेंट 20टा प्रश्न वीडियो में डिस्कस करबा, जोटा कि आपन को आसुतबा ओ डबल एस सी रो हला सीजीएल सीएचएसएल डीओ स्टेनोग्राफर सब एग्जाम्स पई मोस्ट इंपोर्टेंट हबो हला। आउ आसुतबा ओडिशा रो अपकमिंग बहुत सब एग्जाम्स पई मोस्ट इंपोर्टेंट हबो हला। तो वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करबा आज रो प्रथम प्रश्न। तो आज रो प्रथम प्रश्न हेउची हमर फॉर ईच एट्रिब्यूटिव हला कौन ना फर इच एट्रिब्यूट अफ ए रिलेसन मैंने गोटे रिलेसन प्रत्येक एट्रिब्यूट पर देयर इज ए सेट अफ परमिटेड भैल्यू है सही गोटे मैंने से कंप्यूटर गोटे है परमिटेड भैल्यू मैंने थाए से भैल्यू को आम है कॉल्ड द डैश अफ दैट एट्रिब्यूट मैंने से भैल्यू को आम से एट्रिब्यूट कौन बोली आम कही था कंप्यूटर है डोमेन रिलेसन सेट ना स्कीमा। तो राइट आंसर होची हमर ताको हम कोन कहि थाउ ताको हम डोमेन बोली कहि थाउ कोन कहि थाउ डोमेन बोली कहि थाउ। तो राइट आंसर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट ला हमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन हला माने ए चारटी ऑप्शन दे छी चारटी ऑप्शन भितर कोटा गुटे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन रो गुटे उदाहरण अटे ए माने एग्जांपल अटे हला सिंगल वायर एंड टू साइडेड कम्युनिकेशन टेलीविजन टू वायर कम्युनिकेशन ना वॉकी टॉकी। तो राइट आंसर होची हमर टेलीविजन हला टेलीविजन टा होची गुटे सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन गुटे एग्जांपल। नेक्स्ट हला हमर द टर्म होस्ट माने जो गुटे टर्म देथो आमे ना जो देछु हला होस्ट हला विथ रिस्पेक्ट टू द इंटरनेट इंटरनेट को आमे हला इंटरनेट रे गुटे जहा को आमे ना देछु होस्ट तारो मीनिंग टा कोन। तो राइट आंसर होची हमर तारो मीनिंग टा कोन ना ए कंप्यूटर दैट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट है मानने जो कंप्यूटर टा गोटे इंटरनेट को जब कनेक्ट होगी आम होस्ट बोली कह। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आमर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है मैंने जो चारोटी ऑप्शन देखिए फ्लैट डेटाबेस नेटवर्क डेटाबेस रिलेशनल डेटाबेस एवं हायरार्किकल डेटाबेस ये चारोटी भितर कौटा हला सब अधिक व्यवहार डेटाबेस सॉरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हिसाब से हला। तो राइट आंसर होची हमर रिलेशनल डेटाबेस हला रिलेशनल डेटाबेस टा बहुत संख्या रे माने बहुत मात्रा रे यूज करा जाउची हला। नेक्स्ट होची हमर व्हाट डज आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर हला आरडीबीएमएस रो फुल फॉर्म टा कोन। तो राइट आंसर होची हमर कोन ना रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कौन ना रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होची आरडीबीएमएस रो फुल फॉर्म। नेक्स्ट है आमर कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड इनवॉल्व्स व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन है जो मैंने कहला गोटे कीबोर्ड आ गोटे कंप्यूटर भितर जो कम्युनिकेशन अच्छी है सहीटा कौ टाइप गोटे ट्रांसमिशन अटे हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स सिंप्लेक्स ना ऑटोमेटिक। तो सठिक उत्तर होची हमर एटी सिंप्लेक्स सेटा गुटे होची सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन अटे हला कोटा कंप्यूटर एवं गुटे कीबोर्ड माध्यम रे को प्रकार रो ट्रांसमिशन अछि सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन अछि। नेक्स्ट होची हमर कोएक्सियल एंड फाइबर केबल्स हला कोएक्सियल केबल्स एवं गुटे फाइबर केबल अपन देखि दिबे हला सेटा को मीडिया कम्युनिकेशन रो गुटे गुटे उदाहरण अटंती गाइडेड राउटर अनगाइडेड ना सिंप्लेक्स। तो राइट आंसर होची हमर सेटा गुटे गुटे गाइडेड कम्युनिकेशन मीडिया रो गुटे गुटे एग्जांपल अटंती कोटा कोएक्सियल केबल्स एवं फाइबर केबल्स। नेक्स्ट ला हमर स्पेशल हला गुटे स्वतंत्र एंड हाई स्पीड स्टोरेज एरिया हला गुटे स्पेशल गुटे हाई स्पीड स्टोरेज एरिया है जोटा गोटे सीपीयू भितर थाए विदिन द सीपीयू इन ह्विच जोठारे कि ऑल डाटा मस्ट बी रिप्रेजेंट बिफोर इट कैन बी प्रोसेस्ड जोठारे कि सब डाटा गुड़िक रिप्रेजेंट करा जाए सेठी प्रोसेसिंग हवा आगुरु माने पूरा प्रोसेस हवा आगुरु से सीपीयू भितर से जगह जो हाई स्पीड स्टोरेज एरिया एवं गोटे स्पेशल एरिया रे हला डाटा गुड़िक सेठी कौन हुए रिप्रेजेंट हुए प्रोसेस हवा आगुरु हला। तो ताकु आमे कौन बोली कही था BIOS, BIOS, कैच RAM ना रजिस्टर। तो राइट आंसर होची हमर ताको हम कोड कहि थौ ताको हम कहि थौ
रजिस्टर बोली कही था हला कौन कही था रजिस्टर। नेक्स्ट है आम रिपीटर्स रिपीटर वर्क्स ऑन व्हिच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल हला ओएसआई मॉडल रो क्यों लेयर रे रिपीटर टा काम करे हला एप्लीकेशन लेयर फिजिकल लेयर नेटवर्क लेयर ना डेटा लिंक लेयर तो राइट आंसर होची हमरो फिजिकल लेयर रे रिपीटर टा काम करे हला ओएसआई मॉडल रो फिजिकल लेयर रे रिपीटर टा काम करे। नेक्स्ट हला हमरो द बारकोड माने जो बारकोड आपन देखि दिबे ए भलिया हि थाए हला ए भलियाटा टिक मोटा थाए तापर पुनी गुड पतला तापर पुनी मोटा लाई भलिया थाए बारकोड हला व्हिच इज यूज्ड ऑन ऑल आइटम्स माने सब पदार्थ गुड करे माने द्रव्य गुड करे बारकोडटा यूज हुए हला इज रीड बाय स्कैनिंग डिवाइस माने सही बारकोड को उठे डिवाइस द्वारा स्कैन करा जाए हला कंप्यूटर माध्यम रे से स्कैनिंग डिवाइस को हमें कोन कहि थाओ लेजर स्कैनर ओएमआर ओसीआर के ना एमआईसीआर तो राइट आंसर होची ताको हमें गुटे लेजर स्कैनर बोली कहि थाओ कोन कहि थाओ लेजर स्कैनर बोली कहि थाओ तो राइट आंसर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट हला हमरो व्हिच की ऑन ए विंडोज माने व्हिच की ऑन ए विंडोज कीबोर्ड माने विंडोज कीबोर्ड रे को की को हमें हला फुल स्क्रीन मोड रे रखिबा गुटे ब्राउजर को फुल स्क्रीन मोड रे जदी रखिबार अछि सेई की को हमें प्रेस करिबा हला F1 F10 F11 ना F12 तो राइट आंसर होची हमरो कोटा ना F11 F11 को जदि हमें प्रेस करिबा ताले हला ब्राउजर टा फुल स्क्रीन मोड रे हे जिवा हला। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड सबनेट मास्क फॉर क्लास बी आईपी एड्रेस हला माने एटी कोन कोइची क्लास बी आईपी एड्रेस रो कोटा उठे वैलिड सबनेट मास्क अटे ए चारोटी ऑप्शन भीतर तो राइट आंसर होची हमरो 255.0.0 हला एटा को एज इट इज मने रखिनेबे हला जेमती अछि सेमती मने रखिनेबे। नेक्स्ट हला हमरो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कोटा उठे मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम अटे हला हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज ना मशीन लैंग्वेज तो राइट आंसर होची हमरो हाई लेवल लैंग्वेज टा उठे हला मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम अटे राइट आंसर होची ऑप्शन ए। नेक्स्ट हला हमरो ई फ्रॉम इज जनरली इरेज बाय यूजिंग माने ई फ्रॉम टा हला साधारणतः कोन को व्यवहार करी इरेज करी थाए हला ई फ्रॉम माने कोन इलेक्ट्रिकली हला प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हला यार फुल फॉर्म तो राइट आंसर कोटा अल्ट्रावायलेट रेज को व्यवहार करी इरेज करी थाए ना इंफ्रारेड ना 12 वी इलेक्ट्रिकल पल्स ना 24 वोल्ट इलेक्ट्रिकल पल्स तो राइट आंसर होची हमरो अल्ट्रावायलेट रे को व्यवहार करी के व्यवहार करे ई प्रॉम्प्टा साला जोटा कि डाटा मान को इरेज करबा पई बा इरेज करबा पई ताको व्यवहार करे के ई प्रॉम्प्टा। नेक्स्ट हला हमरो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद 216.3.128.12 हला का के यह सहित रिलेटेड सीपीयू एड्रेस मॉनिटर एड्रेस आईपी एड्रेस ना ऑल ऑफ दिस माने ना ए तीनटी जाक तो राइट आंसर होची आईपी एड्रेस हला एटा उठे आईपी एड्रेस अटे तो राइट आंसर होची ऑप्शन सी। नेक्स्ट हला हमरो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्टल नंबर हला कोटा उठे ऑक्टल नंबर नहि 125 259 456 0.025 तो राइट आंसर होची हमरो 259 हला 259 होची उठे ऑक्टल नंबर नहि हला बाकी सब 125 456 0.025 गुटे गुटे ऑक्टल नंबर अटे हला। नेक्स्ट होची हमरो व्हेन ए कंप्यूटर हला तो ऑक्टल नंबर माने कोन ना ऑक्टल नंबर टा हला 0 रु ऑक्टल नंबर रे 0 रु हला 0 रु 7 पर्यंत नंबर को हमें व्यवहार करितो हला ऑक्टल नंबर रे 8 टा नंबर था हला 7 रु ऊपर को नंबर व्यवहार करिनो थौ हमें ऑक्टल नंबर रे हला सेति पे 259 होची राइट आंसर काकि ना 9 टा यूज होवार कथा न हला। नेक्स्ट हला हमरो व्हेन ए कंप्यूटर इज टर्न ऑन हला जति गुटे कंप्यूटर को हमें ऑन करितौ हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रन बाय बायोस बायोस माने बेसिक इनपुट एंड आउटपुट
सिस्टम है ला। इन ऑर्डर टू चेक व्हेदर ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर वर्किंग प्रॉपर्ली माने को हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रन बाय बायोस माने बेसिक इनपुट आउटपुट द्वारा हला रन जो होची हार्डवेयर गुड़ी को सही हार्डवेयर गुड़ी को हार्डवेयर गुड़ी को कंपोनेंट आ भलो करी काम करूची कि नहीं बोली को बायोस ता चेक करी थाय हला बूटिंग वार्म बूटिंग कोल्ड बूटिंग ना पावर ऑन सेल्फ टेस्ट तो राइट आंसर होची हमर कोन ना पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हला पावर ऑन सेल्फ टेस्ट आ चेक करे जे हला जितले हम गुड कंप्यूटर को ऑन करू छु हला तारो हार्डवेयर रो जतकी कंपोनेंट्स अछि हला सेटा प्रॉपर्ली वर्क बा प्रॉपर्ली काम करू छि कि नाही बोली सेटा चेक करे हला जितबेले हम उठे सेटा उठे बायोस बायोस मान बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हला तो राइट आंसर हिबो हमरो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हला नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमरो जाको हमें पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को हमें कौन बोली कही था ना पोस्ट हला पोस्ट बोली कही था पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हला तो राइट आंसर होची हमरो ऑप्शन डी नेक्स्ट ला इफ इंटरनेट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर द वायर्स ऑफ टेलीफोन नेटवर्क माने टेलीफोन नेटवर्क भलिया हला वायर वायर रे जदी हमें इंटरनेट सर्विस को हमें जदी हला प्रोवाइड करबा हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज ताले हमें से कौन ए चारोटी भीतर कोटा को हमें यूज करबा एनोड्स डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डिजिटल एनोड्स ना वायरलेस डायल्स राइट आंसर है जब हमरो कौन करबा ना डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन को हमें यूज करबा हला जदी हमें वायर वायर रे जदी कहा को हमें जदी इंटरनेट सर्विस को हमें प्रोवाइड करू छु हला कोथरे जदी वायर रे जदी हमें डाटा को हमें ट्रांसमिट करी के जदी हला कोन इंटरनेट सर्विस रे पहुंचाउ छु टेलीफोन नेटवर्क द्वारा जदी हमें डाटा को ट्रांसमिट करी के हला वायर रे इंटरनेट सर्विस जदी प्रोवाइड करू छु जोगाउ छु अन्य मन को ताले हम को डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ता यूज करबा को पड़िबो हला तो राइट आंसर होची ऑप्शन बी डीएसएल एटा को हमें शॉर्ट रे डीएसएल बोली कहिथाउ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हला नेक्स्ट होची हमरो द एड्रेस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन हला गुटे माने गुटे मेमोरी रो एड्रेस हला गुटे मेमोरी लोकेशन रो एड्रेस इज आइडेंटिफाइड बाय व्हिच अमंग द फॉलोइंग माने गुटे मेमोरी रो एड्रेस ता मेमोरी लोकेशन रो एड्रेस ता कहा द्वारा चिन्ह जाए बा कहा द्वारा जानी हुए एड्रेस बस लोकेशन बस आइडेंटिटी बस ना एट्रिशन बस तो राइट आंसर होची हमरो कहा द्वारा जानी हुए एड्रेस बस द्वारा जानी हुए हला तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट हला हमरो व्हेयर डज इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डाटा टेक प्लेस इन ओएसआई मॉडल हला इनक्रिप्शन माने कोन हमें जदि पासवर्ड कोनसे गुटे डाटा को देछु ताले सेटा को हमें कोन बोली कहूचू एनक्रिप्टेड बा एनक्रिप्शन हला डिक्रिप्शन माने हमको ताको ओपन करके रखि देबा सब समस्त जेमिति यूज करि पारे सेटा को हम कहूचू डिक्रिप्शन हला तो ए यू एनक्रिप्शन आउ डिक्रिप्शन रोटा डाटा रो हला ओएसआई मॉडल रो क्यों जगह रे रहे हला एनक्रिप्शन आउ डिक्रिप्शन डाटा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रेजेंटेशन लेयर ना सेशन लेयर ना एप्लीकेशन लेयर तो राइट आंसर होची हमरो प्रेजेंटेशन लेयर रे हला एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन डाटा गुडा को ओएसआई मॉडल रे रहे हला ऑप्शन बी इज द राइट आंसर प्रेजेंटेशन लेयर नेक्स्ट हला हमरो आज पे एतिके आशा करछि वीडियो टी आपन मन को बहुत हेल्पफुल हबो आ भल लागथियो हला थैंक यू।